राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजी गई चिट्ठी के बाद कार्मिक विभाग हरकत में आ गया है। कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को आरक्षण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का कठोरता से पालन करने का आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग के अनुसार कुछ विभाग इस सिलसिले में दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, जो गंभीर विषय है। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसे सुनिश्चित कराई जाए। ऐसा नहीं करने पर इसकी जिम्मेदारी विभागों के अध्यक्षों की होगी। बता दें कि कार्मिक विभाग ने 13 फरवरी साल 2019 को राज्य के MBC वर्ग को भी राज्य की अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदोन्नति में 5% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ विभाग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 12 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर MBC वर्ग को 5% आरक्षण देने का चुनावी वायदा याद दिलाया था। सचिन पायलट द्वारा चिट्ठी लिखने के 2 दिन बाद ही 14 सितंबर को कार्मिक विभाग ने आरक्षण के कठोरता से पालन के लिए निर्देश जारी किया था। विधानसभा चुनाव साल 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने गुर्जरों समेत MBC में शामिल अन्य जातियों को 5% आरक्षण देने का वादा किया था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कैबिनेट सब कमेटी के सामने देव नारायण बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक विधायक दर्जा नहीं दिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो जिला परिषद के चुनाव से पूर्व प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। MBC वर्ग के आरक्षण को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर चुनावी वादे का याद दिलाया, जिसके बाद सरकार ने सभी कलेक्टरों और विभागों को इसे कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र शोध से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।